उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों के महारथी तय हो चुके हैं और कांग्रेस के हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित करते ही राजनीतिक गलियारों में पसरा असमंजस भी खत्म हो गया है। होली के रंगों के बीच राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार ने भी रंग पकड़ने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ मैदान में उतरी है। कांग्रेस, बसपा और यूकेडी ने बेरोजगारी, पलायन, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन और पांच प्रमुख मुद्दों को लेकर हल्ला बोला है। प्रदेश की पांच लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान से पहले आज और कल सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इसी के तहत मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी अमाला राजा लक्ष्मी शाह और अनिल बलूनी ने भी नामांकन दाखिल कर लिया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजोत सिंह गुनसोला ने भी रोड शो के बाद नामांकन पत्र दाखिल कर लिया। कुल मिलाकर नामांकन के बाद अब सभी दलों ने जीत का दावा भी शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा चुनाव में कौन कितना तैयार है और कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपने बेटे वीरेंद्र रावत के समर्थन में चुनावी आगाज तेज कर दिया है। रावत का कहना है कि वर्तमान में रहे सांसद का कार्यकाल हरिद्वार की जनता ने देख लिया है। सांसद मौजूद नहीं रहे और जनता उन्हें ढूंढती रही, यही वजह है कि हरिद्वार की जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। सेवा, समर्पण और विकास के लिए जोर करेगा, क्योंकि लोगों ने 2014 में से लेकर के 2024 तक का सांसद का कार्यकाल देखा है, जो बड़ा निराशाजनक रहा है हरिद्वार के लिए। लोगों को सांसद उपलब्ध नहीं रहे, उनकी सेवा उपलब्ध नहीं रही, उनका विकास उपलब्ध नहीं रहा, इसलिए अब विकास, सेवा, समर्पण की खोज में। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि निश्चित तौर पर इस बार लोकसभा सीट पर खड़े बीजेपी के प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और उनका मानना ये भी है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते कोई भी चुनाव लड़ने को राजी नहीं है और जो लड़ने जा रहा है उनकी हार निश्चित है। बहुत ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके कोई भी नेता चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, चुनाव से बचना चाहते हैं, और इस क्योंकि उनको पता है कि परिणाम क्या आने वाला है, इसलिए उनको पहले से ही परिणाम पता है, इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। 19 अप्रैल में पहले ही चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अब चुनावी बिगुल बज चुका है। मैदान में उतरे सभी दलों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। वहीं आज नॉमिनेशन के दौरान तमाम पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ता और प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि 27 अप्रैल नामांकन का आखिरी और अंतिम दिन है और इस दिन नैनीताल से प्रत्याशी अजय भट्ट, हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जीत को लेकर प्रत्याशी कितने आश्वस्त हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। ऐसा लग रहा कि मुझे नहीं, बीजेपी, मोदी जी का प्यार जो आज खिल रहा है, हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी लोग आगे बढ़कर काम कर रहे, बहुत अच्छा करके, बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। और सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ आए हैं, और भगवान बद्री विशाल का, सभी हमारे लोग का प्यार और आशीर्वाद मिले, यही मेरा कहना है और आगे बढ़। रुझान भी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे जो है ये बात बढ़ रही है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह है कि सब लोग मिलकर जो है अपने बूथ से लेकर जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, आधा क्षेत्र में कवर कर चुका हूँ, उसमें जनमानस का भी और कार्यकर्ताओं का रुझान बहुत मॉरल हाई है। मॉरल बूस्टिंग के साथ आज नामांकन करने जा रहा हूँ, अध्यक्ष जी और तमाम लोगों के साथ जो है इस नामांकन को भरकर जो है फिर जो है आधार मील का पत्थर साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन होना है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने जा रहे पांच सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सभी अब चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। और एक तरफ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है तो दूसरी ओर
कांग्रेस और बीजेपी द्वारा किए गए कामों से लेकर अत्याचारों तक की बात जनता के बीच लाने की मुहिम चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जनता के दिलों में इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की अहमियत किस कदर जीत का स्वाद चखा पाएगी। बहरहाल 4 जून को होने जा रही मतगणना पर ये साफ हो जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। तो देवभूमि के दंगल में आज दंगल इसी बात को लेकर कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और दूसरी तरफ विपक्ष की जो तैयारी है, वो किसकी क्या तैयारी और क्या वो तैयारी सार्थक हो पाएगी और कौन जनता के दिलों में राज करेगा, क्योंकि अपने अपने मुद्दे हैं और उन बेसिक मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष जो है उठाता हुआ नजर आ रहा है। विस्तार से चर्चा करते हैं, मेहमानों का परिचय करा देते हैं आपसे। आरपी रतूड़ी जी हैं बीजेपी से, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थापलियाल जी हैं यूकेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सुभाष झा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से, आरपी रतूड़ी जी से। भाई, पूरी तैयारी नजर आ रही है, जीत का दावा, जो 400 के पार का जो लक्ष्य रखा गया है, अंतिम तारीख जो है नामांकन की वो 27 अप्रैल है, नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है, 19 को वोटिंग होनी है और इसके बाद जो एक रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है, क्योंकि कहा गया बीजेपी की तरफ से कि भाई अंतर कलह है विपक्ष में और जो विपक्षी नेता हैं वो चुनावी मैदान में नजर ही नहीं आना चाहते हैं, फिलहाल अपनी तैयारी बताइए। मुद्दे हैं हमारे पास, नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उनके जो काम है पिछले 10 सालों के, जो जनता के और उत्तराखंड की वो मात्र शक्ति जो समझ सकती है कि जो धुएं के आंखों से जो धुएं से आंखें खराब होती थी, उज्ज्वला योजना का लाभ है, गरीब आदमी को जो स्वास्थ्य का लाभ दिया है, जो आपने देखा होगा हमारी योजना में कि 5 लाख तक का हमने जो आयुष्मान योजना के तहत उसको लाभ दिया है, हमारे पास वो गारंटी है। हमारे पास जो सड़कें हैं आप देख रहे होंगे, दिल्ली जाने वाले और वो हमारे 4 धाम की तरफ जाने वाले, कि आज फरांटेदार हमारी सुंदर सुंदर सड़कें हैं। हमारे धामी जी का जो सोच है इन अपने कार्यकाल में 2 साल में आपने देखा होगा, जो कहा वो किया। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था मैं समान नागरिक संहिता लागू करूंगा, किया। उन्होंने जब देखा कि उत्तराखंड के नौजवानों की भर्ती में जो ये नकल होती थी उस पर एक आरपी रतूड़ी जी, बेरोजगारी कितने परसेंट कम हुई, पलायन कितने परसेंट कम हुआ? नहीं, देखिए, पलायन निश्चित तौर पर हमने उस पर चिंतन मंथन किया है, हमने आयोग बनाया, क्योंकि हमारे 10 साल तो कांग्रेस के सरकार भी रही है, हमने कितना किया है वो आपको दिखाई देगा कि तभी तो कांग्रेस की सरकार को नकारा जनता ने। मौका अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला तो कुछ विश्वास के साथ मिला, अब उस जनता के विश्वास में आप कितना खरा उतरे, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे भी अहम हैं और वो बेसिक मुद्दे हैं और उत्तराखंड वासियों की बेसिक जरूरत है, तो कितने परसेंट पलायन, क्योंकि पलायन अभी भी नहीं रुका, पहाड़ी क्षेत्रों में विकास को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है और अच्छी बात है, विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाए, जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। नहीं, मेरा मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ कि 2022 के चुनाव में हम सभी दल जनता के बीच गए थे, जनता ने हम पर भरोसा किया है, दोबारा हमारी सरकार बनाई तो हमारे 17 से 22 के कुछ काम रहे होंगे जो जनता ने हम पर भरोसा किया, जो नरेंद्र मोदी जी की कुछ डबल इंजन की सोच थी वो काम है। तभी तो जो मिथक था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो 22 में टूटा है ना,
वो टूटा तभी तो टूटा होगा जब हमने कुछ काम किया होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ काम न करती, ये तो जनता के मतदान से बना है ना, ये सरकार कोई वैसे नहीं बनी है, ये जनता के भरोसे से बनी है, जनता ने मतदान किया है और हमको दोबारा सत्ता में दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, जीत को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्षी दल के नेता तो चुनावी मैदान में नजर ही नहीं आना चाहते। हरिद्वार और नैनीताल सीट का अगर जिक्र करें तो ये हॉट सीट है, महत्वपूर्ण है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए। और जैसा कि सीएम जो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनका जो बयान निकलकर सामने आया है कि हरिद्वार की जनता अब बदलाव चाहती है। बिल्कुल सही कहा सोनी जी आपने कि अब जनता जो है पूर्ण रूप से बदलाव चाहती है। स्थानीय मुद्दों पे विपक्ष जो है चुनाव लड़ने जा रहा है, पलायन, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ध्वस्त कानून व्यवस्था, अंकिता हत्याकांड, अग्निवीर योजना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को इस यहाँ के लोगों ने फेस किया और जो इन्होंने टिकट बांटे हैं विलुप्त, मैं कहूं लुप्त सांसदों को, सिटिंग सांसदों को इन्होंने जो टिकट दिया है उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पहले ही हार चुके हैं। और आज अभी मैं आ रही हूं नॉमिनेशन के बाद, गुनसोला जी के नॉमिनेशन में मैं गई थी, आज के उस हुजूम को आप देखिए, उस जन सैलाब को देखिए कि कांग्रेस भवन में कहीं सरसों फेंकने तक की जगह नहीं थी। उन चित्रों पर अगर प्रकाश डालियो और वही इनकी रैली भी हमने सामने देखी कि किस तरह से जनता नीरस थी। तो इस तरह भाई हमारे सम्मानित हैं बड़े भाई रतुड़ी जी, मंजू त्रिपाठी जी, ऐसे अगर देखा जाए, ऐसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है आज बीजेपी की तरफ से भी जिस तरीके से नामांकन भरा गया, रोड शो की तस्वीरें आई, श्रीमती माला राज लक्ष्मी ने नामांकन भरा तो वो तस्वीरें भी तो सामने आई और वहां पर भी जोश भरपूर था। जो है आप हमारे बड़े भाई है इसलिए मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अब जनता जो है बिल्कुल बदलाव चाहती है। आय से इनके नेताओं की, गणेश जोशी जी का आपने देखा, आय से अधिक संपत्ति मेयर को आपने देखा, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, अरे और तो और इस सरकार ने अग्निवीर जैसी योजना लाकर सैनिकों के साथ, इस देश के सैनिकों के साथ छल किया है। तो इस सरकार का बिल्कुल सही आपने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बिल्कुल सही कहा, अब जनता बदलाव चाहती है, अब जनता कांग्रेस को जिता कर लेके आएगी और दिल्ली, हमारे पांचों सांसद दिल्ली जाएंगे। ठीक है, जीत का दावा दोनों ही पार्टियों का। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए उमा जी। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। पीसी थपलियाल जी, दोनों ही पार्टियों की जो तैयारी नजर आ रही है, क्या लगता है जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरने वाला है? अगर देखो तो मेनली इन्हीं दो दलों के बीच में अभी तक उत्तराखंड में क्रिकेट मैच होता रहा है और यही दोनों दल जिम्मेदार हैं 23 सालों में इस राज्य की बदहाली के लिए। और जब कभी भी हम आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं रोजगार था और रोजगार मुहैया कराने में दोनों दलों ने जो यहाँ पे सत्ता छीन रहे हैं वे फेल रहे हैं। युवाओं को जो उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें सबसे धनी राज्य है उत्तराखंड है पूरे हिंदुस्तान में, वहां के युवा आज त्रस्त होकर मजबूर हैं प्लान करने के लिए और वे जगह जगह आज, क्योंकि इन्होंने हमारा पहले एक दिव्य सपना होता था फौज, फौज में इन्होंने अग्निवीर लाकर हमारे पीठ पे कुठाराघात चाकू भोंका है। आप ये देखिए कि आज हमको अगर चीन के साथ युद्ध होगा तो हमें अपने भाई गोरखाओं के साथ लड़ना पड़ेगा, जो गोरखा रेजिमेंट यहाँ की एक ऐसी शक्ति हुआ करती थी, हमारा एक बाजू हुआ करता था मजबूत, और आज हमने इनकी नीतियों के कारण खो दिया। उन्होंने जूते की नोक में अग्निवीर को रखकर वे चीन की फौज में भर्ती हो रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है, इसको लोग नहीं समझ रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारी गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट को ध्वस्त कर दिया है अग्निवीर के नाम पे। ये लोग जब कभी भी इतिहास
लिखा जाएगा तो गढ़वाल और उत्तराखंड, जो पर्वत उत्तराखंड है, उसके सबसे बड़े दुश्मन कहलाएंगे ये। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा रचा है मैडम। यही नहीं, जब ये राज्य बना था उस समय जो इन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो आज एक्ट बन के हमारे सामने है, उसमें इन्होंने बिना राजधानी का हमें राज्य दिया और हमारी परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश के हवाले किया। और आज देखिए कि 3 टायर सरकार है, केंद्र में ये है भाइयों बहनों की सरकार, यहाँ पे हमारा धामी धाकड़ कहलाता है और उधर योगी उत्तर प्रदेश में बैठा है, लेकिन वे हमारे हित में हमारी परिसंपत्तियों को, जो हमारी बिजली टीरी डैम की जो संवैधानिक अधिकार है यूपी खा रहा है, उसको ये लौटा नहीं सकते। ये तो ऐसे अपराधी हैं, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज यहाँ पे उस फोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, उनकी वकालत करने आए हैं, वे कभी कांग्रेस में थे और कभी आम आदमी पार्टी की पैरवी करते थे। मुझे दुख हो रहा है ऐसे व्यक्ति को यहां देखकर कि उनको यहां पे पुशअप कर दिया उन दुशासनों ने कि चाहो तुम बोलो, क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं है जनता के आगे फेस करने की। तुम्हारा जो बचा कुचा सम्मानित चेहरा है उसको आगे करके इनके पीछे छुपकर वे आज हमें देख रहे हैं, इस डिबेट को देख रहे हैं। और निश्चित रूप से इस महाकुंभ में जो जनता अगर जागी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फेर बदल इस राज्य में हो सकता है, लेकिन उस लीडरशिप का, उस माधव सिंह भंडारियों का अभी टूटा पड़ा हुआ है। हमारे पास वो जन नेता नहीं है जो जन नेता जनता को ये कहें कि अपने दुश्मनों से, अपने इन मुखट्टा जो धर्म का मुखट्टा पहनकर भ्रम की राजनीति को संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल पैसे था पल्याल जी, मदारी है, दो पार्टियां हैं और दो पार्टियों पर बारे बारे से जनता का भरोसा सामने आ रहा है। इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि मुद्दे लगातार इस तरीके से सामने आ रहे हैं, बेसिक जरूरतें उत्तराखंड वासियों की सामने आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक जो राजनीति में अगर देखा जाए तो सत्ता और सत्ता की कुर्सी ही नजर आती है, मुद्दे बिखर जाते हैं। आप चूंकि क्षेत्रीय पार्टी हैं तो जनता का भरोसा जीतने में और कितना वक्त लगेगा? जनता को भरोसा होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। हमें जनता, हमारा जो जनता है, हम जनता के सड़क के सिपाही हैं। जनता ने हमें ये क्योंकि हम उन धन बलियों के आगे नहीं लड़ पा रहे हैं जो इस राज्य की लूट करके, इसके संसाधनों को लूट कर माफियों के साथ इनका जो गठबंधन है उसके, आप ही देखिए इन नेताओं के बेशुमार दौलत के मालिक हैं। और ये देखिए आपकी 10 इधर जाते हैं उधर जाते हैं, एक सिक्के के दोनों एक ही पहलू है। और उन पहलुओं को जिस तरह से इस राजनीति में, क्योंकि मुद्दों को इन्होंने पीछे कर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कार्ड दिखाकर हमारे आगे खड़े हो रहे हैं, ये कभी सीए का कार्ड दिखाकर हमारे आगे खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो पेट की आग है उस आग को मिटाने का जो सिस्टम पैदा करना चाहिए था वो ये नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन लोग इनको दौड़ाएंगे और तब ढूंढेंगे लोग उन लोगों को जो इस राज्य के हित में निरंतर सड़कों में अपनी आवाज उठाते रहे हैं। बिल्कुल, जनता बदलाव तो चाहती है, लेकिन इस बदलाव में अब किस तरीके का बदलाव नजर आएगा ये फिलहाल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और देखिए 2024 का जो ये चुनाव इस बार है ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। एक तरफ जनता, जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाने वाली ताकतें एकजुट हैं और एक तरफ लोकतंत्र को हराने वाली ताकतें एकजुट हैं। मुद्दे से भटकाने की राजनीति, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बात ना हो तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे लोग ये ना पूछे कि 1,00,000 रुपए कमाने वाली कंपनी 5,00,00,000 रुपए के बॉन्ड कैसे खरीद सकती है, आप केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके अंदर डाल दीजिए। सारी बहस केजरीवाल जी के ऊपर हो जाएगी, लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को भूलने। तो मुझे अनम्यूट कर लीजिए। और बीजेपी ने जिस चीज को अपना तुरुप का इक्का समझा था कि उन्होंने तुरुप का इक्का फेंक दिया है इस चुनाव में, आप देखिएगा कि तुरुप का इक्का इनको कितना भारी पड़ने वाला है और कितना उल्टा पड़ने वाला है। जिस तरीके से पूरा विपक्ष, पूरी जनता आज केजरीवाल जी के पीछे लामबंद है और मीडिया भी मजबूर हो गया है कि केजरीवाल जी के ऊपर डिबेट्स कराए, उनके ऊपर बात करें, और जब उनके ऊपर बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात आएगी, तो ये चुनाव ऐतिहासिक है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी, इस जोड़ी को आरएसएस भी नहीं चाहता और बहुसंख्यक बीजेपी में काम करने वाले, संगठन में काम करने वाले लोग भी उकता चुके हैं इस समय मोदी और
अमित शाह जी की हिटलर शाही से, ये हिटलर शाही से विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं है, ये हिटलर शाही इनके अपने संगठन के ऊपर भी है। आप देखिएगा कि ये चुनाव वाकई में ऐतिहासिक होने जा रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल और उनके साथ उनका पूरा देश, पूरी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, शरद पवार जी हो, जिस तरीके से आज देश एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ इंडिया गठबंधन, मैं वाकई में बहुत खुश हूं और बहुत हतप्रभ भी हूं कि किस तरीके से लामबंद होकर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर डट गई हैं। अब जनता को इस बात पे भरोसा दिलाना है कि जनता इलेक्टोरल बॉन्ड, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, अरे मनी का पैसा, अरे लॉन्ड्रिंग का पैसा बीजेपी के खाते में गया। आप इनसे पूछिए, बीजेपी वालों से, रेड्डी साहब से पैसे कैसे खाए इन लोगों ने, 55 करोड़ रुपए, और आप ढूंढ रहे हैं केजरीवाल जी के खातों में। तो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, मीडिया भी देख रहा है, गोदी मीडिया की बात नहीं करती, लेकिन आप जैसे मीडिया से जुड़े हुए लोग, आप लोग भी देख रहे हैं। तभी आपने आम आदमी पार्टी वालों को आज यहाँ पर बुलाया है, आप बैठाते हैं हमें और फ्री में बैठाते हैं, आपको पैसे भी नहीं देते हैं बैठाने के लिए। आप लोग, बाकी मैं हैट्स ऑफ करती हूँ मैं इस मीडिया को, जिस मीडिया की वजह से सच्चाई जो है हम लोग जनता के सामने ला पाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को साधुवाद देती हूँ कि इसी तरह सच्चाई के साथ आप खड़े रहिए, 2024 का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, और पसीने बीजेपी को आ चुके हैं कि उन्होंने केजरीवाल को क्यों छेड़ दिया। राजन जी, इस पर आपका जवाब ले लेते हैं, फिर सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं। इस पर कुछ कहने के लिए है, क्योंकि जिस तरीके की नाराजगी दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद से आ रही है सामने, और लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है, प्रदर्शन बड़े पैमाने पर करने की तैयारी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? देखिए, ये जो आज गिरफ्तारी हुई है, भले मेरी दोनों बहनें वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, लेकिन इनको जानकारी है, उमा जी को बहुत सीनियर है, कि ये जो शराब कांड का खुलासा था, ये शिकायत किसने की थी? कांग्रेस ने की थी ना, ये किसी और ने, बीजेपी ने नहीं की थी, ये शिकायत कांग्रेस की तरफ से हुई थी, और कांग्रेस ने उस समय बड़ा आंदोलन भी किया था कि ठीक है, कहानी लंबी हो जाएगी, लेकिन 100 करोड़ राजन जी, राजन जी 100 करोड़ के घोटाले का आरोप, और जिसमें से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसमें से 60 तो बीजेपी के खाते में गए। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आज न्योला और सांप दोनों दोस्त हो जाए तो अलग बात है, प्रवृत्ति दोनों की इस बात का डर है क्या? प्रवृत्ति दोनों की अलग रहेगी, भले चाहे भाई, ये निर्णय किसने दिया? कांग्रेस की वजह से आज सड़क के नीचे क्यों नहीं है कांग्रेस? केवल इंतजार कर रही है। आदरणीय केजरीवाल जी को जेल भेजने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है, किसी बीजेपी वाले ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। जब कांग्रेस ने शिकायत की है और उसमें कुछ घपला निकला है, तो रेड्डी जी बस इतना बता दीजिए कि 55 करोड़ रुपए क्यों खाए आपने रेड्डी साहब से, बस इतना बता दीजिए, सीधा आपके अकाउंट में गए हैं उनके पैसे। आप लोगों ने उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार होने के बाद जब उनको बेल दी गई और ईडी ने बेल का अपोज नहीं किया, उन्होंने 55 करोड़ रुपए के आपको आपके बॉन्ड खरीद के आप लोगों को दे दिए, और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पैसा खाया। आप बताइए ना, आपके अकाउंट में जो पैसे आए वो क्यों दिए, आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सबके खाते में पैसे आए, किसी को सबसे ज्यादा टॉप पर एक करके बोलेंगे। सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है, सुभाष झा जी के रुख कर लेते हैं। सुभाष झा जी, अक्सर सुना होगा आपने कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, अभी चुनाव एक महीना है, एक महीना तो नहीं, 19 अप्रैल को है, इसलिए अब नजदीकी आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि हरिद्वार और पौरी का सीट जो है वो दिलचस्प होने वाली है लड़ाई। बेशक,
तीन जगह मुझे लगता है कि भाजपा बढ़त में अभी से है, लेकिन ये दो जगह अभी कहना मुश्किल है। कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ अगर राजेंद्र जी अगर ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो परिवारवाद का आरोप इन पर भी है। इनके रितु खंडूरी जी क्या है, इनके हरवंश कपूर जी की पत्नी सविता कपूर जी क्या है, बहुत सारे लोग हैं, नाम गिना दूंगा, लंबी फेहरिस्त है। वो परिवारवाद सिर्फ सोनिया और राजीव गांधी पर लागू थोड़े ना होता। इनके अमित शाह जी के बेटे, इनके बीसीसीआई के, जिनको जिसने एक बॉल भी नहीं पकड़ा होगा जीवन में, वो बीसीसीआई के सचिव है। ऐसे इनके पास लंबी सचिव है। ये लोग बेसिकली झूठ बोलने के लिए दिन भर, पता नहीं इन लोग हंसी नहीं आती, हम लोग तो झूठ बोलते हैं तो हम लोग को हंसी आने लगती। लेकिन खैर ये तो है। अब रह गई उत्तराखंड की बात। जो उत्तराखंड में पलायन इनका सबसे बड़ा मुद्दा था, मुझे लगता है इन्होंने रोक दिया होगा। 5 गांव जो इन्होंने गोद लिए थे, वो गांव की हालत बहुत अच्छी हो गई होगी, काला कायाकल्प हो गया होगा उत्तराखंड में। अग्निवीर के माध्यम से मुझे लगता है कि सारे उत्तराखंड के बेरोजगार भर्ती हो गए होंगे। उसका वो जो है वीआईपी का नाम जो है वो भी अंकिता भंडारी वाला, इन्होंने नाम बता दिया होगा। स्मार्ट सिटी देहरादून बन गया। तो ये सारी चीजें और सारे घोटालेबाज भीतर है। जो मंत्री लोग थे जिन्होंने भर्तियां करवाई थी वो भी भीतर हो गए होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा ने सारे काम कर दिए है, कोई काम अब बचा नहीं रह गया धाकर धामी जी के माध्यम से। अब तो मुझे लगता है भाजपा को इस पर सोचना चाहिए कि अब अगला कौन सा काम होगा, क्योंकि सारे काम तो पूरे हो गए। 15 लाख मिल भी गए होंगे, डीजल पेट्रोल सस्ते अलग हो गए, गैस का सिलेंडर भी 350 रुपए के नीचे आ चुका है। ये महंगा दाल का दाम जो कांग्रेस के समय में 65 रुपए होता था, मुझे लगता है 65 पैसे हो गए होंगे। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद भी इनके हिम्मत को दाद देते हैं, इनकी ढिठाई को दाद देते हैं कि ये कहते हैं 400 के पार। अब की बात घाघ है ना, दाल में कुछ काला है। लेकिन एक बार कभी दबे जुबान से हमारे भाई ये भी तो कहने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में हम भी इससे रहा। नहीं, वहां लागू होता है धंधा, चंदा दो धंधा लो उनके लिए लागू। फिलहाल ये है कि अभी ग्लोबल समिट हुआ था, अभी ये लोग ग्लोबल समिट की खुमार से अभी बाहर निकले भी नहीं थे ठीक से कि चुनाव आ गया इन लोगों के सर पे, और सबको वही रटी रटाई, वही कांग्रेस, वही परिवारवाद, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, चलिए राजन जी का रुख कर लेते हैं। राजन जी, पौड़ी और हरिद्वार से बेहद अहम जीत का दावा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी मजबूत नजर आ रही है, विपक्ष में अंतर कलह है, और यही वजह है कि विपक्ष के कई नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में भी आने को तैयार नहीं है, तो इसको लेकर बीजेपी की क्या कुछ रणनीति? बीजेपी की रणनीति स्पष्ट नजर आ रही है कि लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं कि सिटिंग एमएलए बीजेपी में आ रहा है तो एक अपने आप में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि आखिर कुछ तो वजह होगी कि जो विधायक सिटिंग विधायक हैं वो चाहे हिमाचल देख लो आप, चाहे उत्तराखंड देख लो, एकमात्र गढ़वाल मंडल में एक विधायक कांग्रेस का था, आखिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तो कोई वजह तो देखा होगा, कोई कारण तो रहा होगा कि वो आकर्षित हुए हैं। तो जब एक विधायक जनप्रतिनिधि आकर्षित होता है, और आपने ब्लॉक पर मुख देखे होंगे, कितने ब्लॉक पर मुख आ गए, कितने पूर्व विधायक आ गए, तो आकर्षण का कारण, क्योंकि आरोप तो ये भी लगते हैं कि डर है कि किसी को नीतियां भारतीय जनता पार्टी की पसंद आती हैं, कोई तानाशाही से डर जाता है तो बीजेपी में शामिल हो जाता है। और सवाल अब तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है कि भाई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये सारे आरोप बेबुनियाद हो जाएंगे क्या? राजन जी, ये तो अपने बचाव में वो कहते हैं, ये कानूनी व्यवस्था अपना काम करेगा, जिनको कानून पे भरोसा होगा वो इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, दूध का दूध पानी का पानी होगा, इतने उतावला भी क्यों है, क्या दिक्कत हो रही है? जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही है, डरने की क्या जरूरत है? अगर आपने कहीं कुछ घोलमाल किया है वो तो दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बिना कुछ न हुए तो
धुआं जरूर उठा है तो खुद तो गड़बड़ होगा। उमा जी, जहाँ जहाँ चिंगारी होती है धुआं वही, आग वही लगती है, धुआं वही उठता है। संवैधानिक संस्थाएं कितना बेहतरीन काम कर रही हैं, ये हम लोगों ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा है, कितना बेहतरीन काम उसमें सीसीटीवी कैमरे में देख देख के संवैधानिक संस्थाएं कर रही थी। अच्छा भला हो कि वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव थे तो हम लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वाईवी चंद्रचूड़ सिंह ने लोकतंत्र की हत्या बोला। आप लोग 500 में हेरफेर कीजिए, आप लोग अधिकारियों को खरीदिए और आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ब्लैकमेल कीजिए कंपनीज को, उनका पैसा लीजिए, उसके बाद आप 700 पार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से इस समय आप लोग कर रहे हैं उसको ईश्वर भी देखता है, राजेंद्र जी ईश्वर भी देखता है। हम लोग बहुत आहत हैं, जिस तरीके से, जिस नाजायज तरीके से आप लोगों ने केजरीवाल जी को अंदर किया, हम लोग वाकई में दिल से आहत हैं। इस समय ये देश, इस समय लोकतंत्र को जिस तरीके से आप लोगों ने खतरे में डाल दिया। मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, ठीक है हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन आज भी हम लोग विरोध करते हैं इंदिरा गांधी जी के आपातकाल का, खुद कांग्रेसी भी इस बात को काला धब्बा मांगते हैं कि आपातकाल हमारे देश के लिए ठीक नहीं था। आज आप लोगों ने जो अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है राजेंद्र जी, ये आपातकाल हम लोगों के साथ आप लोगों के ऊपर भी आएगा। आप लोग करते रहिए चौधरी धामी जी की, आप लोग करते रहिए चौधरी मोदी जी की, जरा सा भी अगर आप लोगों ने उल्टा सीधा बोला अपनी पार्टी में तो ये आपातकाल के कविता अगर कोई बयान दे रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग निकल रही है, तो एक के कविता की अगर रतुड़ी जी अभी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ दिनों के बाद तो आप लोग भी निशाने पर आएंगे। चंडीगढ़ को मेयर चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी मंजू जी आप करो करेंगे दूध का दूध। अरे बहन जी, ये 2014 में नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए कांग्रेस, 2019 कितनी मजबूत है वो आपके बैठने से ही साबित हो जा रहा है कि उनके पास प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस से प्रवक्ता लेकर अपनी सीट पे बैठा के आपको बुलवा रहे हैं, यही बीजेपी की मजबूती साबित हो जा रही है भाई साहब, यही मजबूती प्रदान। कांग्रेस में तो कोई प्रवक्ता ही नहीं है, प्रवक्ता नहीं, मेरा भूत थोड़ी बैठा हुआ है, मैं ही बैठी हूँ ना। आप अधिकृत प्रवक्ता हैं, मंजू जी, मंजू जी चैनल में बिल्कुल मंजू जी भाई आपका ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। मंजू जी आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिहाज से और जनता के बीच किस तरीके से पैठ बनाने की कोशिश विपक्ष की नजर आ रही है, मंजू जी आपसे मेरा सवाल है, ये मॉरल जो है बूस्ट कैसे होगा, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति, चुनौती बड़ी है प्रवक्ताओं की। आप ठीक है राजन जी, आपसे जब सवाल किया जाता है तो आप जवाब नहीं देते हैं ठीक से, ठीक है आप अपने वक्त पर बोलिएगा। मंजू जी आपसे मेरा सवाल था, जो अहम मुद्दे हैं, जिन बेसिक मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष उन मुद्दों को उठा रहा है, जनता के बीच में क्या कुछ पैट, क्योंकि हरिद्वार और पौड़ी सीट इसको लेकर क्या कुछ तैयारी विपक्ष की, मॉरल बूस्ट कैसे होगा, चुनौती बड़ी है, बीच में जा रहे हैं स्थानीय मुद्दों को लेके मैदान में उतरे हैं, जनता इनकी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है, इनके झूठ से त्रस्त हो चुकी है, डबल इंजन के नाम पर जो घोटाला कर रहे हैं त्रस्त हो चुकी है, इनकी हर नीति से जो है जनता त्रस्त हो चुकी है। मैंने तो मेरा बेटा इनकी तैयारी पूरी है, चिंता कोई बात नहीं, जनता जो है ये मन बना चुकी, हमारे कांग्रेस ने राजशाही घराने को टिकट नहीं दिया है, जो कि कोविड जैसी महामारी में भी वो कभी दिखाई नहीं दी, ऐसे सांसदों को हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, कांग्रेस चालू करने वाले सांसदों को हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, हमारी पार्टी ने डिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट दिया, और आज नॉमिनेशन में कांग्रेस में जो भीड़ थी वो आईना दिखाने का इस गवर्नमेंट को काम कर दिया है कि आप सब कितना ट्रस्ट है, कह रहे थे विकास किया 2000 करोड़ नौकरियां, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, अरे भाई विकास कहां से किया, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है वो उस देश को आप विकास करना मानते हैं, इन्वेस्टर सबमिट में आपने इतना घोटाला किया, ये मड़ुआ कोदो की बात कर रहे हैं और कैटरिंग आप ताज की कर रहे हैं, कब तक जनता को आप गुमराह करते रहेंगे, तो जनता अब मन बना चुकी है कि इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का काम करेगी,
चलिए पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, जनता अब बदलाव चाहती है, पौड़ी और हरिद्वार सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने सैनिकों के साथ क्या अत्याचार किया, अग्निवीर जैसी योजना लाके, लेकिन इनकी डिठाई को मैं सलाम करती हूँ कि झूठ भी बड़ी बारीकी से बोलते हैं ये लोग। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती जनता का आशीर्वाद को। अरे भाई साहब आप क्या बोलेंगे, जो वो तो आप देख ही रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन तो आपको भी पता है, आप भी बैठ के यही सब कोस रहे थे कांग्रेस भवन में, लेकिन अब आप कहाँ चले गए, तो चलिए कोई बात नहीं। 2022 में कहाँ चली गई थी आपकी व्यवस्था? वो तो व्यवस्था जिस दम पे कांग्रेस भाजपा जीत रही है, वो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में थू थू रख दिया इस गवर्नमेंट की, तभी शर्म नहीं आ रही आपको? आज रामलक्ष्मी शाह के नॉमिनेशन में आज की भीड़ ने बयां कर दिया कि कितना लोग उनको जानते हैं। तीन गुना थी आज बीजेपी की आपकी भीड़ से। वो तो मैंने भी देखा है, अगर ढंग से पिक्चर दिखाया जाए तो देख लीजिए। ठीक है भीड़ जुटाई गई, भीड़ खुद से आई, ये बाद में डिसाइड कर लीजिएगा, आपस में डिसाइड कर लीजिएगा। मंजू जी, पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, पौड़ी और हरिद्वार सीट को लेकर जंग जो है वो जोरदार है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे देश को डाउन किया है, पता है? अरे डेमोक्रेसी उम्मीद नहीं होती तो पंजाब में आपकी सरकार आती। डेमोक्रेसी जुड़ी जी, बीबीसी एक निष्पक्ष चैनल है, उसको आप खरीद नहीं सकते हैं, उसको वहाँ पर गोदी मीडिया नहीं है। अगर वो कह रहे हैं ना कि आप लोगों की वजह से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का लॉस हुआ है, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपमान करेंगे और विदेशी चैनल को कहेंगे कि वो बेहतर है। मंजू जी, राजन जी, जब आपका रुख करें तभी आप अपनी बात को रखिएगा। पीसी थपलियाल जी से हमारा सवाल था, पीसी थपलियाल जी, क्योंकि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या उत्तराखंड वासियों की जो जरूरत है, क्या उस पर बात की जा रही है या महज ये जीत की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है? आप अगर पौड़ी की बात कर रहे हैं तो पौड़ी में जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो टोटली क्षेत्रीय मुद्दों पर उतर गया, और जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां इन्होंने गुजरात से भेजा है वहां पे, और जो जिसका एड्रेस हल्द्वानी है, उसका जो नामांकन में हल्द्वानी एड्रेस, क्योंकि उस हल्द्वानी में देखो छुपा हुआ रुस्तम निकला हो। जब राज्यसभा एमपी था तो मेरे को और पांगी जी को इसको मिलने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ा, इसको हाथ पांव जोड़े थे हमने सिंगताली पुल के निर्माण के लिए। इसने उस समय बोला कि हाँ जी हाँ अब मैं बना दूंगा। वो पांच साल ये छह साल जो ये राज्यसभा का एमपी रहा, ये कुछ भी हमारे पहाड़ के लिए नहीं किया मैडम। और आज दोबारा उसी को मोदी जी ने उस बेचारे तीरथ सिंह के आंसू इनका सत्यानाश करने के लिए काफी, आज उस तीरथ सिंह को रुलाकर और उस राज्यसभा एमपी को दोबारा तुम हमारे सिर पे थोप रहे हो। कारण क्या है? कारण ये है कि ये उनके टोटली दलाल हैं। आज जो यहाँ पे सत्ता, आप निशंक को देखिए, निशंक को मंत्रालय से हटाकर और आज पूरे हरिद्वार से ही बाहर कर दिया, क्या उसके आंसू खाली जाएंगे? इन लोगों को जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में जो खेल ये खेल रहे हैं, जिस तरह से आप देखिए कि हरिद्वार में ही बीएचएल की जमीन 500 एकड़ एक दिन में ली जाती है और दूसरे दिन में उसको गुजराती को हैंडओवर कर दी जाती है। हमारा आलू फार्म अभी तो लोगों को पता नहीं है, भोली भाली जनता के आंख मीच कर भाई और बहनों के गोली खाकर बैठे हुए हैं हिंदुत्व के चक्कर में। नहीं तो उत्तराखंड हमारे हाथ से खिसक चुका है, टोटली इनकी गिद्ध नजर इस उत्तराखंड में पड़ी हुई है, क्योंकि ये कश्मीर नहीं घुस पाए, ये हिमाचल नहीं घुस पाए, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं घुस पाए, ये इस हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में जो गंगा जमुना की जननी है उस धरती पर, बद्री केदार की धरती पर इन्होंने घुसपैठ बना ली है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों को सजग होकर इन लोगों को इस उत्तराखंड की धरती से नेस्तनाबूत करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो वहां के जो जिस आपने अभी बोला कि साहब ये वो केजरीवाल जी को अंदर डाल दिए, ये तो तड़ी पार पहले से खिताब इनके छाती पे है तड़ी पार का। और ये कहता था कि मैं जब मेरे को ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी तो मैं हाथ देखकर ठगी करता था, वो आज इस देश का एक ठग और एक तड़ी पार
जब इस देश का सर्वोच्च कमांडर बनते हैं तो निश्चित रूप से हमें भय हो रहा है कि अगर 2024 में जनता इनके उस झांसे में अगर आ गई तो फिर सबसे पहले जो विनाश होने वाला है उत्तराखंड के संसाधनों की लूट होने वाली है, वो उसको हम फेस करेंगे। हम अब आगे फेस करेंगे जिन्होंने 42 शहादतों के बाद इस राज्य को लिया। ये लोग हमारे हितैषी नहीं है। मैं रामपुर तिराये से लेकर और टोटल मैं जब पुनर्गठन विधेयक की बात कर रहा हूं और आज दिन तक मुझे दुख है कि डॉक्टर आरपी रतूड़ी जैसे व्यक्ति इस जमात में जाकर उनकी पैरवी करने के लिए यहां पे आए हैं। मेरे को तंग है कि हे भगवान, इनको क्या बद्री केदार से डर नहीं लग रहा है कि किसकी पैरवी करने आए? ये तो बच्चे नहीं है ना, ये तो एक बुजुर्ग है, एक खांटी नेता है उत्तराखंड की धरती के, जिन्होंने परिपूर्णानंद पैनोली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजशाही के विरोध में इन्होंने लड़ाई लड़ी है टिहरी में, और आज उसी जमात के सिपाही बनकर बोल रहे कि तीन गुना थे। हे भगवान, हे प्रभु, धन्य हो डॉक्टर आरपी। आरोप गंभीर है राजन जी। सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष झा जी, जिस तरीके से अभी राजन जी को आपने सुना होगा कि भाई जनता का भरोसा क्योंकि विकास कार्य किए गए हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए गए, या बेरोजगारी को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए गए, पलायन को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए गए, यूसीसी लागू किया गया वो उत्तराखंड की ज़रूरत नहीं, लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए और ये कहना कि जनता का विश्वास है क्योंकि विकास कार्य किए गए हैं। 2024 को कैसे देख रहे हैं? सवाल उससे जी सुभाष जी, देखिए बड़ी सीधी बात है कि जो जनता मुद्दों को समझ रही है उनकी प्रतिशत कम है, और जिस जनता को 5 किलो अनाज चाहिए वो जनता की संख्या ज्यादा है। समस्या यहाँ है कि जो जनता 5 किलो अनाज लेने वाली जनता है उसको तात्कालिक लाभ दिखता है कि हमारा 5 किलो, और ये लोग इस बात को एस्टेब्लिश करने में कामयाब है उन लोगों के बीच कि अगर मोदी जी गए तो ये 5 किलो अनाज चला जाए। पता नहीं इस बात को आपके लोग समझते हैं कि नहीं, पता नहीं कांग्रेस के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, पता नहीं यूकेडी के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, विपक्षी दलों के लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसका कार्ड विपक्षी दलों के पास क्या है या उन लोगों को कैसे समझाएंगे कि ये 5 किलो अनाज में तुम्हारा नुकसान क्या क्या है? इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष जो है पूरा कम्युनिकेट लोगों को नहीं कर पा रहा है, ये सच्चाई है। और इस कारण से अगर भाजपा बढ़त में है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनका तंत्र जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज है, विपक्ष का तंत्र जो है उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, ये कहने में कहीं कोई कोताही मुझे नहीं है। अब इस चीजों के बीच कांग्रेस कहां तक अपने को लोगों के बीच जा पाती है और कर पाती है, अब ये बहुत ज्यादा दिन रह नहीं गया है, वो तो बता देगा समय। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ठीक से लड़ी, यूनाइटेड होकर के विपक्षी दल के लोग लड़े तो 2 सीट इनके खाते में जा सकता है। बिल्कुल उमा जी, विपक्ष के पास कोई ऐसी रणनीति है जो टक्कर दे पाए? देखिए, मैं सुभाष जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 80 करोड़ जनता जो 5 किलो राशन के ऊपर आप लोगों ने मोहताज बना दिए, आप लोगों ने 80 करोड़ लोगों को ये दिखा दिया कि भाई हम लोग 5 करोड़ राशन, मतलब ये 5 किलो का राशन, 5 किलो का राशन। ऑब्वियसली गरीब जनता है हमारा देश, आप आंकड़े देते रहिए कि हम लोग ट्रिलियन डॉलर बन गए, हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए, हम लोगों ने ये कर दिया और हम लोगों ने वो कर दिया, आप कितना भी गाते रहिए, आंकड़ों में गाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज आप लोगों ने बना दिए, दाने दाने के मोहताज, इतनी महंगाई और बेरोजगारी में 5 किलो राशन उन लोगों को आपने सहारा दिखा दिया है, तो आप ये लगाइए कि हम हिंदुस्तान की जनता को क्या दे रहे हैं? ना हमारे पास रोजगार है देने के लिए कि जनता खुद कमाए और जनता खुद अपना पेट भरे, ना आप लोगों के पास महंगाई को कम करने के साधन है कि जनता खुद कमाए और सस्ते में सामान खरीदे और अपना पेट भरे। आप लोगों ने उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए आप लोगों ने द्वार खोल रखे और जनता को सिर्फ आप लोगों ने भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दिया कि आइए और 5-5 किलो का राशन ले लीजिए। गरीब जनता बेचारी क्या करेगी? गरीब जनता, उन्हें दिखता है, मैं बिल्कुल झा साहब की बातों से सहमत हूँ कि तात्कालिक नजर आता है, लेकिन
लेकिन मैं पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा करती हूं कि 2024 का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होगा। और आप देखिएगा, मुझे भरोसा है, मेरे दिल को भरोसा है, मेरी आत्मा को भरोसा है कि इस बार मोदी जी का ये जो अहंकार है, जो हद से ज्यादा अहंकार उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, ये अहंकार इस बार टूटेगा। हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट बने, लेकिन मेरा शाप है कि मोदी जी इस बार सत्ता में नहीं आएंगे। इसके लिए विपक्ष की ठोस रणनीति भी होनी चाहिए ना। अगर सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि अंतर्कलह की स्थिति है, तो ऐसे में एक ठोस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में लड़ना कैसे मुमकिन है? देखिए देखिए एंकर मोदी, इंडिया गठबंधन पूरे देश में एकजुटता के साथ लड़ रहा है। हम लोग दिन रात कांग्रेस का, जो हमारे जो साथी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के साथ के बाद जो एकजुटता इंडिया गठबंधन में आई है, वो भूतों ना भविष्य है। इस समय हम लोग वाकई में दिल से, आत्मा से इस समय हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। एक एक वोट को हम लोग निकाल निकाल कर अपने जो साथी हैं उनको हम लोग दलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जनता जो है वो देख रही है कि किस तरीके से समूचा विपक्ष एक साथ आकर मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ खड़ा हो गया। ठीक है, फिलहाल दोनों ही पार्टियों के जीत के दावे नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखा जाए तो जीत का दावा, बीजेपी का दावा 400 के पार अब की बार, और इसको लेकर एक ठोस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में नजर आने वाली है। और साथ ही विपक्ष में जिस तरीके का मतभेद नजर आ रहा है, उसका जो फायदा है, उससे स्थिति बीजेपी के मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए KNews India।